मेरा नाम है सौरव भट्ट, थर्ड ऑफिसर ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एट द मैरीटाइम अकेडमी मोरनी हिल्स। मैं हूँ आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या मैं डेक कैडेट का कोर्स करूँ या इंजन कैडेट का कोर्स करूँ, क्या मैं डेक ऑफिसर बनूँ या मरीन इंजीनियर बनूँ? दोनों में से कुछ भी मत कीजिए। इन दोनों रैंक्स की बहुत ज़्यादा फ्लडिंग मार्केट में हो रखी है। मैं एक ऐसा रैंक आपको बताता हूँ जिसकी डिमांड आज तक मार्केट में है, और वो है ETO, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर या इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, देसी भाषा में बत्ती साहब। ये 4 महीने का कोर्स होता है। 4 महीने की आप पढ़ाई करते हैं, 2 महीने का STCW कोर्सेज करते हैं और फिर आप शिप पे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। 8 महीने की ट्रेनिंग होती है। 8 महीने के एक्सपीरियंस के बाद आप अपने COC के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अब कहाँ से ये कोर्स किया जाए? देखिए, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फ़ीस होती है। आमतौर पे 4 लाख के करीब इसकी फ़ीस होती है विद स्पॉन्सरशिप। मैंने आपको हमेशा बताया, कोई भी कोर्स आप करते हैं स्पॉन्सरशिप के साथ करें। अब मेरे जो फेवरेट कॉलेजेस हैं जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ वो है एंग्लो ईस्टर्न और ग्रेट ईस्टर्न। ये कॉलेजेस हैं जहाँ पे वेटिंग पीरियड बहुत कम है और जहाज़ इनके पास बहुत ज़्यादा है। अब और इस कोर्स के और क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए, कोई भी कोर्स हो, जैसे कि मुझे ही ले लीजिए, मैं थर्ड ऑफिसर हूँ। अगर मैं किसी कारणवश अनफिट हो जाता हूँ, मेडिकली अनफिट, तो किनारे पे मेरे लिए कोई जॉब नहीं है। कोई लैंड बेस्ड जॉब करनी हो तो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल है। और मर्चेंट नेवी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए एक उंगली कट जाती है तो मैं मेडिकली अनफिट हो जाता हूँ, मैं शिप पर नहीं जा सकता और मैं कहीं कभी नहीं जाता। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का कोर्स किया है तो आप ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिशियन हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आपके पास नॉलेज है, आप कोई भी शोर जॉब कर सकते हैं। अधिकतर देखा जाता है ETO का कोर्स करने के बाद, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे, या जो लोग मर्चेंट नेवी छोड़ना चाहते हैं वो होटल इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे उनके बहुत ही अच्छे पैकेजेस होते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके सिवा एक रैंक और है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। मैं सौरभ भट्ट आउट।